السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

सूरतमजादला की एक आयत मैंने आपकी ख़िदमत में पेश की है और उसी के मुतालिक कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक ने इल्म की बहुत ही अहमियत और फजीलत बयान की है कुरान मुक़दस में और जनाब महमद रसूल सल्हसम ने अहादी नबोया में और इल्म रखने वाला हर तरह से दूसरे पर फजीलत रखता है आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है औरत की दीनी तालीम औरत के लिए दीनी तालीम की वैसे दीनी तालीम की ज़रूरत दोनों को है और दोनों के नज़दीक इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फजीलत है यानी मर्दों के नज़दीक भी औरतों के नज़दीक भी लेकिन आज खास तौर से हम औरतों के बारे में बतलाना चाहेंगे कि दीनी तालीम की किस तरह से ज़रूरत है अल्लाह तबारक वाल ने सूरतमुमजादला में इर्शाद फरमाया यरफल लदी कुम अल्लाह तबारक वाली तुम में से उन लोगों के दर्जे बुलंद कर देगा जो ईमान लाए यरफल्लादीन आम अनोमिन वल्लीना ऊतमा दर्जात अल्लाह तबारक वाले तुम में से उन लोगों के दर्जात बुलंद कर देगा जो ईमान लाए और जिन्होंने इम हासिल किया और ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कुरान हदीस में जहाँ पर भी इल्म का तस्करा किया जाता है याम का ज़िक्र आता है, है वहाँ पर उससे मुराद दीनी तालीम है कुरान हदीस की तालीम है उससे मुराद कुरान और हदीसी की तालीम लिया जाता है इसी तरह से सूरत नहल में अल्लाह तबारक वाली ने शायद फरमाया मन अमिलान मिन औ उनसा वो हुआ मोमिन क्या फरमाया तबारक वाली ने मर्दों और औरतों में से जिसने भी हालत ईमान में आमाल साल अदा किया सर अंजाम दिया यानी ईमान की हालत में जिसने भी मर्द हो या औरत हो आमाल साल किया फ़लन हयातन तय्यबा तो हम उन्हें पाकिजा ज़िंदगी अता करेंगे वलाजियन अजर हम बेहसन माकान या मलोम और उनके अमाल से ज़्यादा अच्छा बदला उन्हें देंगे सूरत नहल में अल्लाह तबारक वाली ने आदायत नंबर नाइन्टी से इस चीज़ की वजाहत कर दी कि अल्लाह तबारक वाल ने मर्दों औरतों और और की जिंदगी का मकसद जो बतलाया है आमाल साल बतलाया है यानी आमाल जिंदगी का जो मकसद है क्या है नेक आमाल करना अच्छे आमाल करना और पुराने मुकदस की एक जगह पर अल्लाह तबार व ताला ने फरमायामा खलतुलजन्ना वालसा इलाबून कि मैंने इंसानों और जन्ातों को किस लिए पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है जबकि सूरत नहल की आयत भी ये तायद कर रही है कि आमाल साल के लिए मर्दों और औरतों की तख्लीक़ की गई तखलीक का मकसद ये है कि नेक नेकमाल मिन आमिन मन आमिलान मिन दूंगा उन मर्दों औरतों में से जिसने भी आमाल साल ई ईमान की हालत में किया तो अल्लाह तबारक वाली उन्हें पाकिजा जिंदगी अता करेगा और उन्हें उन अमाल से ज़्यादा अच्छा बदला अता करेगा जो अमाल वो दुनिया में कर रहे थे यहाँ पर पता ये चला कि अल्लाह तबारक व ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और आमाल साल उसके नज़दीक मतलूब है कि नेक अमल करके हम और आप हाजिर हों तो आमाल साल के लिए नेक अमाल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है ज़ाहिर सी बात है कोई भी अमल हो जब तक उसका इल्म आपके पास नहीं होगा जब तक उस अमल को सही तौर पर आप नहीं कर सकते हैं उसका ताल्लुक किसी भी चीज़ से हो उसका इल्म होना आपके पास ज़रूरी है इल्म होगा तभी आप सही तौर पर अमल कर सकते हैं नेक वाले अमल कर सकते हैं अल्लाह तबारक वाले को राज़ी कर सकते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल कर सकते हैं जब आपके पास वो इल्म हो और हदीस में आया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है ये इल्म का हासिल करना फ़र्ज क्यों है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे और आपसे तलब किया किया है आमाल सालिहा तलब किया है और आमाल सालिहा के लिए हमें ज़रूरी है कि हम तालीम हासिल करें तब हम नेक आमाल हासिल कर सकते हैं जब तब हम नेक आमाल करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं और कहीं पर कुरान और हदीस में या शरीत इस्लामिया ने कोई भी ऐसा इल्म जो इल्मानियत के लिए नफा बख्श हो उसको हासिल करने से मना नहीं किया है और ना ही किसी जुबान की मुखालफत की है ना ही यह बतलाया है कि मर्दों को तालीम हासिल करना चाहिए औरतों को नहीं हासिल करना चाहिए जहाँ पर मर्दों को हुक्म दिया है वहीं पर औरतों को भी तालीम हासिल करने का हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल जनाब महम्मदूल्ह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआलाहुम इसके रावी हैं फरमाते हैं कि क़ालत قالت النساء للنبي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने एक मरतबा कहा कि फायदा उठाने में मर्द हम आगे बढ़ गए यानी मर्दों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजो नसीहत करते थे खुतबा देते थे दर्श देते थे तकरीरें करते थे तो औरतों ने कहा कि मर्द हमसे आगे बढ़ गए फ़ायदा उठाने में फ़जाल योमन मिनफसिख लिहाजा आप अपनी तरफ से हमारे लिए भी वाज़ो नसीहत के लिए एक दिन खास फरमा दें ये कौन थी ये सहाबियात थी सहाबियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मर्द हजरात हमसे आगे बढ़ गए किस चीज़ में आगे बढ़ गए फायदा उठाने में वाज करते हैं आप दर्श करते हैं उनको नसीहत करते हैं लिहाजा हम औरतों के लिए भी एक दिन खास कर दीजिए लिहाजा आप ने क्या फरमाया फ योमन अल्लाह के रसूल वसल्लम ने उनसे वादा किया वादा फरमा लिया और उस दिन औरतों से आपने मुलाकात की और उन्हें वाजो नसीहत किया ये हदीस हमें यह बतला रही है कि जहाँ पर नबी करीम वसल्लम ने मर्दों को तालीम दी है वहीं पर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी तालीम दी है। मालूम यह हुआ कि मर्दों को जिस तरह से और तालीम की जरूरत है उसी तरह से औरतों को भी तालीम की जरूरत है बल्कि यूं कह लिया जाए तो गलत ना होगा कि औरतों को तालीम की और ज्यादा जरूरत है दीनी तालीम की और ज्यादा जरूरत है चूंकि आपको यह मालूम है बच्चा जो होता है बच्चे का पहला मदरसा कहां होता है मां का गोद होता है मां के गोद में जो पहला मदरसा है वो बच्चा वहां पर तरबियत पाता है दीनी तालीम और दीन के बारे में मालूमत का हासिल करना यह समझ लीजिए हमारे लिए फरज में से एक फर्ज है वो क्यों चूंकि खास तौर से औरत जो होती है उसका गोद पहला मदरसा होता है उसके बच्चे का वो बच्चा उस मदरसे में जिस तरह से तरबियत पाता है उसी तरह से उसकी तरबियत होती है उसकी परवरिश होती है चूंकि बच्चे के पास ज़्यादा टाइम कौन है गुजारता है बाप या माँ माँ ज़्यादा टाइम गुजारती है वो अहम अयाम जो बच्चे के तरबियत के लिए परवरिश के लिए होते हैं बच्चे का अक्सर वक्त माँ के साथ गुज़रता है लिहाजा औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो दीनी तालीम को हासिल करे जब एक औरत उसके पास दीनी तलीम होगी तो अपने बच्चे को दीनी तरबियत करेगी अपने बच्चे की दीनी तरबियत करेगी अगर उसके पास खुद ही दीनी तालीम नहीं है तो वो औरत कैसे दीनी तरबियत कर सकती है और कैसे उसको इस्लाम के जो अहकाम हैं उसको कैसे बतला सकती है आप याद रखिए कि कुछ शोबे ऐसे होते हैं जिनका इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और, और औरत पर फर्ज है या कम अज़ कम इतना तो जरूरी होता है कि ये जान सकें कि उनके अहकाम क्या हैं इसमें अगर हम शुमार करें तो पांच शोबे ऐसे पाए जाते हैं कि पांच शोबे का अगर कोई तालीम हासिल कर लेता है चाहे वो मर्द हो या औरत हो और खास तौर से औरत तो ये समझ लीजिए कि उसने बहुत सारी तालीम को हासिल कर लिया और जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं उसमें वो कामयाब हो सकती है वो पांच शोबे कौन से हैं सबसे पहला शोबा अकायद का ले लीजिए आप अकायद यानी अकीदा मुसलमान के अक़ीदे का सही होना सही व गलत अकीदे में फ़र्क की पहचान सही अकीदा क्या है गलत अकीदा क्या है सही क्या है गलत क्या है शर्क क्या है तोहद क्या है बिदात क्या है नफाक क्या है ये सारी चीज़ें एक मर्द के लिए भी ज़रूरी है और एक औरत के लिए भी ज़रूरी औरत के लिए ज़रूरी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चा भी उसके गोद में है अब वो बच्चा अभी उसके गोद में है अगर वो औरत कब्रों पर जाती है तो वो बच्चा गोद में है और अपनी माँ को देख रहा है कि मेरी माँ कब्र पर जा रही है लेकिन वही बच्चा गोद में है और देखता है कि उसकी माँ कुरान पढ़ रही है उसकी माँ नमाज पढ़ रही है उसकी माँ सही अमाल कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके अकीदे भी सही होंगे लेकिन अगर उसकी माँ के अकीदे सही नहीं हैं अगर उसकी मां ही शिरक में मुबतला है अगर उसकी मां ही बिदात में मुबतला है तो ऐसी सूरत में उस बच्चे की उस बच्चे की तरबियत भी उसी तरह से होगी जबकि एक माँ का अकीदा सही हो जाना ये समझ लीजिए एक नस्ल का अकीदा सही हो जाता है क्योंकि उसकी नस्ल उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाती लिहाजा ये, ये जरूरी है जरूरी है कि माँ एक औरत को दीनी तालीम का हासिल करना और सबसे पहली चीज अकीदा अकीदा अगर उसका मजबूत हो जाता है अकीदा अगर उसका सही हो जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कामयाबी उसने हासिल कर ली दूसरी चीज दूसरा शोबा जो होता है इबादत का होता है अकीदा सही हो गया अब उसको दाखिल होना है किस में इबादत में दाखिल होना है इबादत में उसको यह मालूम करना है कि हर मुसलमान को इबादत में से फरज़ का मालूम होना वाजबात का मालूम होना सुनन का मालूम होना इन सारी चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है उसके जिम्मे है कि इन सारी चीज़ों की जानकारी वो हासिल करे कोई भी इबादत हो मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए नमाज पढ़ना है नमाज के लिए कौन सी चीज शर्त है वजू शर्त है अब वजू करने का तरीका माँ को नहीं आ रहा है अगर माँ को वजू करने का तरीका नहीं आ रहा है तो वो अपने बच्चे को वजू करने का तरीका कैसे बताएगी चाहे वो बेटी हो या बेटा हो उसको खुद ही पता नहीं उसने देखा था उस औरत ने देखा था कि मेरी नानी मेरी दादी गर्दन का मसा कर रही थी तो वो भी गर्दन का मसा कर रही है ना उसने किताब पढ़ा है ना उसने किसी की वाज़ और नसीहत सुनी है ना किसी मजलिस में दीनी मजलिस में शरीक हुई है तो जाहिर सी बात है वही दादी नानी वाला अकीदा अगर सही रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह और अगर गलत रहा है तो उसी गलत अकीदे पर वो औरत चलती रहेगी इसी तरह से तयम करना है पानी नहीं मिल रहा है अब तयम का तरीका उसको नहीं पता है का तरीका उसको कौन बतलाएगा उस औरत को और जब उस औरत को नहीं पता है और उसकी बेटी कल मालूम करना चाहे उसकी बहू कल मालूम करना चाहे उसका बच्चा कल मालूम करना चाहे कहाँ से वो तरीका जान पाएगी तो मालूम यह हुआ इसी तरह से आप हज ले लीजिए जक़ात ले लीजिए औरतों को कह दीजिए जेवर बनवाने के लिए जेवर से इनका पेट नहीं भर सकता है आप देख लीजिए कि जेवर से इनका पेट कभी नहीं भर सकता है। लेकिन किसी औरत से पूछ लीजिए कि जेवर में कब ज़क़ात वाजिब हो जाती है तो वो मसला नहीं बतला सकती क्यों इसलिए कि उसने पढ़ा ही नहीं उसने सुना ही नहीं और खास तौर से खास तौर से तहारत का मसला तहारत के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है माजरत के साथ खवी के अंदर तकरीबन सत्तर परसेंट औरतें तहारत के मसाइल से ना वाकिफ होती और उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि दीनी तालीम ना होने की वजह दीनी तालीम कुरान और हदीस की तालीम ना होने की वजह से उनको तहारत के मसाइल नहीं मालूम होते जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को तहारत के मसायल में पेश आती है इन्होंने डॉक्टरी कर लिया इंजीनियर कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया ये डिग्री हासिल कर लिया वो अगर कुछ हासिल नहीं किया तो दीनी तालीम हासिल नहीं किया दीनी तालीम से ये दूर है तो मालूम ये हुआ कि इन बातों की मालूम हासिल करना ज़रूरियात दीन का हिस्सा है हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि ये सब मसाइल किस तरे, किस तरह से होते हैं नमाज का तरीका सही मालूम नहीं है और नमाज वो शख्स पढ़ रहा है जाहिर सी बात है नमाज फासिद हो जाएगी जब मसाइल ही ने उसको मालूम है तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी और इसी तरह से चाहे रोज़ा हो जक़ात हो हज हो हज करने कितने लोग चले आते हैं और उनको हज करके वापस चले जाते हैं तलबिया तक नहीं पता होता है उनसे पूछ लिए तवाफे ए क्या है तोाफ़ ज़ियारा क्या है नहीं मालूम क्या वजह है दीनी तालीम ना होने की वजह यह दीनी तालीम ना होने की वजह से ऐसा सब होता है लिहाजा इसी तरह से हलाल और हराम अकायद का सही होना इबादत के मसाइल का मालूम होना अक़ीदे के मसाइल का मालूम होना इसी तरह से हलाल और हराम ये तीसरी चीज या तीसरा शोबा जो हलाल और हराम का है एक शख्स को यह मालूम होना चाहिए कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या है एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी चीज़ हराम है कौन सी चीज जायज़ है कौन सी चीज़ नाजायज है कौन सी चीज़ मकरू है यह कब हासिल होगा आपको जब दीनी तालीम हासिल करेंगे तब जब दीनी तालीम किताबों को खोलेंगे तब जब दीनी मजलिसों में बैठेंगी तब तब आपको यह मालूम होगा हलाल क्या है हराम क्या है और अगर नहीं पढ़ा है नहीं है, दीनी मजलसों में शिरकत की है तो जो कुछ सुना है उसी के मुताबिक आप फतवा देते रहेंगे या फतवा देती रहेंगी और अपना भी खाना खराब करेंगी और सामने वाले का भी खाना खराब करेंगी लिहाजा जरूरी है औरतों के लिए कि इन मसाइल का पहली चीज अकायद के मुतालिक मालूम होना इबादत के मुतालिक मालूम होना हलाल और हराम के मुतालिक मालूम होना और इसी तरह से मामलत और हकूक मामलत और हकूक़ का मसला यानी बाहमी लेन देन एक दूसरे से से ताल्लुक रिश्तों की पहचान और बर्ताव वगैरह ये सारी चीजों का ताल्लुक क्या है मामलात से है यानी माँ बाप बेटा बेटी भाई बहन मियाँ बीवी और दीगर रिश्तेदार इन सब के आपस के ताल्लुक एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए आज कल जो लड़ाइयाँ होती हैं आजकल जो झगड़े होते हैं माँ बाप के दरमियान बाप और बाप और बेटे के दरमियान माँ और बेटी के दरमियान सास बहू के दर ये सारे क्यों होते हैं इसलिए कि एक दूसरे को हक दूसरे के हकूक़ को पहचानते ही नहीं इन्होंने दीनी किताब खोली ही नहीं बाप का हक क्या है बेटे के ऊपर बेटे का हक क्या है बाप के ऊपर बीवी का हक क्या है शोहर के ऊपर शोहर का हक क्या है बीवी के ऊपर सास का हक क्या है बहू के ऊपर बहू का हक क्या है सास के ऊपर इन सारी चीज़ों की जानकारी है ही नहीं जिसकी वजह से आए दिन ये इख्तलाफा होते रहते हैं और घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते हैं लिहाजा ये जरूरी है जरूरी है चीज कि हम मामिलाद को मामलात को मामलात को लेन देन को भी समझें और एक दूसरे के हकूक को भी समझें और ये कब आप समझ पाएंगे या समझ पाएंगी जब आप किताब दीनी किताबों को खोलेंगे जब कि दीनी किताबों को पढ़ेंगे अब एक बीवी खामिंद की हक तलफी कर रही है खामिन बीवी का हक तल कर रहा है जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक वाल के सामने दोनों से सवाल किया जाएगा एक बाप बेटे का हक अदा नहीं कर रहा है बेटा बाप का हक नहीं अदा कर रहा है दोनों से क्यामत के दिन सवाल किया जाएगा यह क्यों कमी हो रही है बाप की तरफ से कमी हो रही है चूंकि उसने खुद तालीम हासिल नहीं की और अपने औलाद को भी तालीम हासिल नहीं कराई जिसकी वजह से ये सारे मामला पेश आ रहे हैं मालूम यह हुआ कि हुलत के मारे में मामला का मामला लेन देन किस तरह से लेन देन करना है खरीदो फरोख कैसे करना है क्या स्रूत होते हैं इन सारी चीज़ों की जानकारी हम दीनी किताबों में पाएंगे और दीनी किताबों में जब दाखिल होंगे दीनी किताबें जब पढ़ेंगे कुरान को पढ़ेंगे हदीस को पढ़ेंगे तफसीर को पढ़ेंगे सीरा को पढ़ेंगे नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने आएंगी इसी तरह से एक जरूरी चीज़ और अखलाकियात मैंने आपको बताया अकायद के बारे में मालूमात होना इबादात के बारे में मालूमात होना इसी तरह से और मामलत के बारे में मालूम होना हलाल और हराम के बारे में मालूम होना और आखिरी चीज़ जो मैं इस दर्ज की बतलाना चाहता हूँ अखलाकियात के बारे में अखलाकियात ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ही बड़ा दखल और बहुत बड़ा अंदाज बहुत बड़ा दखल होता है एक चीज़ ये होती है कि किसी मामले को शर्यी और कानूनी तकाजे से पूरा कर देना आपने किसी मामले को पूरा कर दिया लेन देन का मामला है पूरा कर दिया और एक चीज ये होती है कि उसी चीज को आसन तरीके से प्यार से मोहब्बत से आप उसको पूरा कर रहे हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और शरीयत ने शरीयत ने जिस चीज का हमें और आपको हुक्म दिया है वो चीज क्या है कि किसी चीज को बेहतरीन तरीके से अखलाक से आदाब से प्यार से मोहब्बत से लेन देन कीजिए बातचीत कीजिए अखलाक का सबसे बड़ा दखल होता है इस्लाम में याद रखिए और नबी करीम वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या पूछना किसी ने कहा था कि जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा आप सल्ला वसलम का अखलाक इतना ऊंचा था इतना बुलंद था कि आप सल्लाम कि आप सल्ला हमेशा दुश्मनों के सामने जब आते थे तो दुश्मन का सब नीचे हो जाया करता था और दुश्मन आपको जवाब नहीं दे पाता था मालूम ही हुआ कि इल्म की अहमियत जिस तरह से एक मर्द के लिए है उसी तरह से एक औरत के लिए भी है नबी करीम वसल्लम ने अपने तेईस साल जिंदगी में जो दीनी तालीम दी है वह मर्दों को भी मर्दों ने भी फायदा उठाया है और औरतों ने भी फायदा उठाया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों ने फ़ायदा उठाया दोनों ने फ़ायदा उठाया है नबी करीम अलैहि वसल्लम से बरह रास्त इस्ता करने वालों में हजारों मर्द अगर थे तो सैकड़ों औरतें भी आपके आपसे इस्ता करने वाले में पाई जाती थीं लिहाजा आज की औरतों की भी जरूरी है कि जिस तरह से सहाबियात रजी अल्लाह त ने बढ़ चढ़ करके दीनी तालीम को हासिल किया अगर आपको मालूम करना है कि किस तरह से तालीम हासिल किया सहाबियात ने तो कुछ नहीं तो सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तारीफ जो सीरत पढ़ लीजिए कि किस तरह से सहाब कराम आपके पास मसले मसाइल को पूछने के लिए आया करते थे आखिर कैसे आते थे इसलिए आते थे कि आपके पास तालीम थी इसलिए कि आपके पास इलम था इसलिए कि आप सल्हसम से आपने इल को हासिल किया था लिहाजा आज की औरतों के लिए भी जरूरी है कि दीनी तालीम को हासिल करें आज की औरतों के लिए भी जरूरी है कि कुरान को हिफ्ज करें आज की औरतों के लिए भी जरूरी है कि कुरान का तर्जुमा पढ़ें तुरक्त कुरान तुर। की तफसीर पढ़ें हदीस पढ़ें सीरा पढ़ें ताकि वो खुद उस पर अमल कर सकें और उनकी औलाद भी उस पर अमल करे जब वो खुद अमल करेंगी तो उनकी औलाद भी उस पर अमल करेगी और अपने औलाद को अच्छी से तरबियत दे सकती हैं मालूम यह है हुआ कि औरतों के लिए मौजूदा दौर में दीनी तालीम की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ताकि उनकी औलाद की अच्छी तरबियत हो सके और उनकी औलाद जनाब अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं इलाहा आलमिन हम सब को दीनी तालीम हासिल करने की उस पर अमल करने की और इस तालीम को दूसरों तक पहुँचाने की तोफ़ी ख़तः फरमाए वाख रुदावाना अनिलहमदिल्ला रबी अल्लाम आलकम वबरकू